दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लाडली बहना आवास योजना की लिस्ट किस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि लाडली बहना के लिए आवास योजना यहां पे शुरू हुई थी जिसकी लिस्ट आ चुकी है और बहुत सारे लोग लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताएंगे कैसे आप लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट में नाम देखने के लिए awassap.nic.in इस वेबसाइट के अंदर आपको आना होगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप जैसे आएंगे तो सबसे ऊपर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक के बाद आपको अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ग्राम पंचायत से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप स्कीम का नाम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना आपको दिखाई देगा, ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर में आप 23-24 सेलेक्ट कर लेंगे। डिटेल डालने के बाद आप सर्च करेंगे। देखिए ये पूरी लिस्ट आपको पूरे गांव के इस प्रकार से दिखाई देगी। ये पूरे गांव की लिस्ट है। आप इसको आगे पीछे करके यहाँ पे पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। करीब 300-350 लोगों का यहाँ पे नाम है। अब यहाँ पे आप अपने नाम से सर्च कर सकते हैं, सरनेम से कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट आपकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं त्रिपाठी डाल देता हूँ और सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये एक यहाँ पे बेनिफिशियरी की डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस प्रकार से इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपको नई एक लिंक आएगी। यहाँ पे अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगी। आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम और आपके बैंक की डिटेल, ये सारी चीज आपको यहाँ से आपको दिखाई देगी। बाद में जब आपका पेमेंट होगा तो उसका स्टेटस भी आपको यहीं से मिलेगा। तो होप अब आप लाडली बहना आवास योजना में अपना नाम चेक कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।